एक दफा एक लोमड़ी ने जंगल में अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान आ गया और आसमानी बिजली ने लोमड़ी के घर को जलाकर तबाह कर दिया। जंगल के जानवरों ने लोमड़ी को लकड़ी के एक बड़े ढेर के नीचे दबे देखा तो खींच कर उसे बाहर निकाला, मगर बदकिस्मती से उसका घर जल चुका था। अपने नुकसान के बावजूद लोमड़ी खुश रही। वो जानती थी कि घर दोबारा तामीर करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए उसने अपनी मदद के लिए अपने बेहतरीन दोस्त कछुए को बुलाया। उस दिन बहुत गर्मी थी। जल्द ही कछुआ और लोमड़ी दोनों बहुत थक गए। उन्होंने फैसला किया कि वो घर को बहुत तेजी से तामीर करेंगे और फिर झील में मजे से तैरेंगे। उन्होंने आपस में हंसी मजाक शुरू कर दिया। हमें बहुत मजा आएगा, हाँ पानी बहुत ठंडा होगा। वो अपने ख्यालात में गुम हो गए और तवज्जो से दुरुस्त काम नहीं किया। घर वाकई बहुत जल्दी तामीर हो गया। लोमड़ी और कछुआ झील में तैरने और खेलने लगे। जब वो झील से वापस आए तो ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि तेज हवा ने उनका घर उड़ा दिया। लोमड़ी ने अफसोस से कहा, हमने हंसी मजाक और तैरने पर ध्यान रखा और तवज्जो से काम नहीं किया, अब हमें दोबारा घर तामीर करना पड़ेगा। कछुए ने भी इस बात से इत्तफाक किया, अगर हमने अपना ध्यान काम में लगाया होता तो घर मुनासिब तरीके से बनाते। काम को पहली बार में ही दुरुस्त करना बेहतर है।